नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। यह बैठक करीब 80 मिनट तक चली। ऐसा माना जा रहा है कि यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तथा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की करीब 1.25 घंटे चली लंबी बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दोनों नेताओं की मीटिंग की तस्वीर भी ट्वीट की गई। एक तरफ यूपी बीजेपी में सियासी हलचल की खबरें हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच मुलाकात करीब 80 मिनट चली है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किसी सीएम से मुलाकात के लिए इतना लंबा वक्त नहीं देते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली से यूपी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। ऐसे में दोनों के बीच इस पर भी चर्चा हुई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये थी अभी तक की खबरें। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चैनल के साथ बने रहें और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।